हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है अतुल शर्मा। तो दोस्तों, YouTube की तरफ से आया है बहुत ही धमाकेदार अपडेट्स। दोस्तों, YouTube ने ऐसा अपडेट लॉन्च किया है दोस्तों, जिसके सारे आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो पे कौन से यूट्यूबर ने कमेंट किया है, जिसके चैनल पे है 1000 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर से कम है, या फिर 100 सब्सक्राइबर, या फिर मिलियन सब्सक्राइबर, या फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। कहने का मतलब आप अब हर एक कमेंट को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि किसने आपके चैनल पे कमेंट किया है, किसको आपने रिप्लाई दिया है, किसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, किस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और कौन कौन से चैनल हैं जो आपसे बड़े हैं, जो यानी कि आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर हैं तो कौन से बड़े चैनल्स हैं जिसने आपके चैनल पे कमेंट किया है। तो फ्रेंड, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अतुल शर्मा वाइंस मुझे वहाँ सिंपली फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके क्वेश्चन के जवाब देता रहता हूँ। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। आप लोग दोस्तों अगर आपके चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो दोस्तों कर लीजिए। अगर आप लोग 1 नवंबर से पहले अपने चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप लोग अपने चैनल का मोनेटाइजेशन खो देंगे, या फिर दोस्तों आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड, थंबनेल या फिर वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे, ना ही आप थंबनेल ऐड कर पाएंगे। दोस्तों, 1 नवंबर से पहले अपने चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे दोस्तों आपका चैनल हैक होने से बचता है। अगर आपके चैनल को कोई हैक करने की कोशिश करता है तो आपको पता लग जाता है कि आपके चैनल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, या फिर दोस्तों अगर आपके चैनल पर किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैंने अपनी YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया है। चलिए दोस्तों, पहले अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ आसानी से। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपनी YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया, आप साइड में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाना है, जहां पर आपके कमेंट्स का ऑप्शन आया था। फ्रेंड्स, आपको सिंपली कमेंट्स वाले सेक्शन में आ जाना है, वहां पर आपको क्लिक करना है व्यू मोर पर। दोस्तों, जैसे व्यू मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि वो कमेंट्स जो आपके चैनल पर शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, वो कमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे जिसको आपने जवाब दिया है, या फिर आपका जवाब नहीं दिया है, या फिर आपके चैनल पर जो कमेंट्स शो हो रहे हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं फ्रेंड्स उन कमेंट्स के बारे में जिनको, मान लीजिए आपने कमेंट पढ़ा था, आपको कमेंट अच्छा लगा था, पर आपने उस चैनल का नाम भूल गए हैं, आपको उसके कुछ शब्द याद हैं, तो फ्रेंड्स सिंपली आप सर्च में जाकर उस चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका कमेंट आपने देखा था। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कंटेंट्स क्वेश्चन, ऐसे कमेंट्स जिनमें लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि मान लीजिए भाई आपने ये चीज़ कैसे की, भाई ये अपडेट कैसे आया, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे होंगे दोस्तों, वो सारे कमेंट्स ऊपर आ जाएंगे, आप सिंपली उन्हें सर्च कर सकते हैं। फिर दोस्तों पब्लिक सब्सक्राइबर्स, वो लोग जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों, उनके जो कमेंट्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस इसलिए हैं ताकि आप लोग कमेंट्स को फिल्टर कर पाएं। मान लीजिए आपके चैनल पर लाखों कमेंट्स हैं और आपको उसमें से कुछ कमेंट्स शो करने हैं जो आपके सिर्फ सब्सक्राइबर ने कमेंट किए हैं, दोस्तों इन ऑप्शन से आप लोग आराम से उन कमेंट्स को फिल्टर कर पाएंगे। आप लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो कमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली जाना होगा चैनल मेंबर स्टेटस पर कि वो लोग जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और आपके चैनल को उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, वो लोग जो कमेंट्स करते हैं वो अलग से फिल्टर हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद सब्सक्राइबर्स काउंट, अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग जो आपके चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं उनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं, तो आप सिंपली सब्सक्राइबर काउंट पे क्लिक करेंगे। अगर उसमें बता देंगे, फॉर एग्जांपल के लिए आपने बता दिया कि जिसके चैनल पे 100 है उससे 100 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वो कमेंट्स फिल्टर हो जाए, या फिर जिसके चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वो फिल्टर हो जाए, या फिर जिसके चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अगर आप उस पर फिल्टर कर देंगे तो आपके वो कमेंट्स अलग हो जाएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के कमेंट्स शो होंगे जिनके चैनल पे 10 मिलियन से या फिर 1 मिलियन से या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे, सिर्फ उन्हीं के कमेंट्स शो होंगे, बाकी कमेंट्स यूट्यूब फिल्टर कर देगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होता है और वो कमेंट्स करते हैं, पर उनके कमेंट्स कहीं बीच में दब जाता है। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको हेट देने के लिए आते हैं, जो सिर्फ आपको गाली देने के लिए आते हैं, उनके कमेंट्स ऊपर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन फिल्टर के सहारे आप लोग किसी के भी कमेंट्स को पिन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट आपको अच्छा लगे आप उसे भी निकाल के सामने ला सकते हैं, या फिर जिसको आपने रिप्लाई दिया हुआ है या फिर रिप्लाई नहीं दिया हुआ है, इन सब फिल्टर के सहारे फ्रेंड्स आप आराम से उनके कमेंट को साफ से देख सकते हैं और उन्हें ऊपर ला के खड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताया गया अपडेट कैसा लगा? मुझे पर्सनली अपडेट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं पता लगा पाऊंगा कि मेरे चैनल पर कौन कौन से बड़े बड़े यूट्यूबर्स कमेंट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए मेरे चैनल पर है 20,000 सब्सक्राइबर और कोई 80,000 कमेंट्स वाला सब्सक्राइबर जिसके चैनल पर 80,000 सब्सक्राइबर है वो कमेंट कर रहा है, पर दोस्तों उसके चैनल पर वेरिफिकेशन टिक नहीं लगा हुआ है, तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि मेरे चैनल पर किसने कमेंट्स किया और उसके चैनल से जो सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा है? तो मैं सिंपली इस फिल्टर का ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा और आराम से पता कर पाऊंगा कि मेरे चैनल पर कौन से सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कौन से कमेंटेटर ऐसे हैं जिनके चैनल पर मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और पता लगा पाऊंगा। दोस्तों, बताएगा वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।